वर्तमान आयोध्यानी भूमि पूजन नरेंद्र मोदी सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से गांव गांव से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्य भी है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि